अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त मैं अपनी पसंदीदा जगह श्री चौक पर मौजूद हूँ, कराची बार एसोसिएशन में। हम दोस्तों ने, ये हमारे दोस्त बैठे हुए सारे, देखें ये सारे हमारे दोस्त बैठे हैं, चौहरी साहब भी बैठे हुए हैं। इस वक्त श्री चौक पर मौजूद हैं। इस वक्त सुबह की बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लोग अभी तक आए नहीं हैं, और आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारी बेस इसी यही जगह है। ये साहब हमारे अभी आए, अभी तो डेली सुबह से वॉक करके आए हैं, और ये अब यहाँ तायर भाई बैठे हुए हमारे सी चौक के, ये मुगल साहब बैठे हुए असलम मुगल साहब जो है ये बहुत ही दरीना सीनियर कानूनदान और बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। ये हमारे दरे में अभी दोस्तों का इंतजार है। और ये शिदात भाई, अब जो सी चौक का प्रोग्राम है वो अभी ताज़ा लाते हैं कि संडे के दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया अगेन, तो ये ज़रा बताएंगे सर कि ये प्रोग्राम जो है वो संडे के दिन कहाँ पर है, जगह बताएं, लोकेशन ज़रा आप पूछ लेना। ये संडे को सुबह बैठक शिंगाई में कोर्ट बेसन पे हो रहा है। जो दोस्त भी आना चाहे हम उनके लिए वहाँ पे मौजूद होंगे वेलकम करने के लिए। आबिद भाई भी आ गए। आबिद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बाबा सी चौक का आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेंबरशिप जो है ये समझे जिम खाना की तरह बहुत महंगी मेंबरशिप है यहाँ की सी चौक की। सी चौक की मेंबरशिप बाबा, सी चौक की मेंबरशिप लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। आपको कराची जिम खाना की मेंबरशिप मिल जाएगी, डीएचए क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी, लेकिन आपको सी चौक की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। भाई यहाँ पे जो सी चौक पे हमारे वकला हजरात बैठते हैं वो मैं एमएमसी का कैंडिडेट हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर सर आपको हम वेलकम करेंगे। आप हमारे यंग भाई हैं, हम आपको हमेशा खुशामदी और आप बड़े एनर्जेटिक हैं, हमेशा आपको करते हुए देखा है, लोग सीनियर्स की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो आप तो वो गद्दार है ना सर, हमारे लिए बिल्कुल सर जो फैसला होगा हमारे वकला बरादरान का होगा, हम कोशिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं सर। अमानुल्लाह काकर हमारे दरमियान मौजूद है। अमानुल्लाह काकर को हम खुशामदीद कहते हैं सी चौक पे। सर बड़ी मेहरबानी, आपको खुशामदीद कहते हैं सर, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, वकील हैं, खासकर हमारी तरह मंशात फरोशों के वकील हैं आप। बड़ी खुशी होती है जब अपना वाला अनवर मेमन साहब भी आ गए, हमारे भाई बहुत ही एक्टिविस्ट हैं। सर सी चौक पर आपको खुशामदीद कहते हैं। साई मेहरबानी चाला अदा खुश है। सुबह सुबह जरा वकीलों की ये देखिए, इंतहाई कदीम इमारत है। यहाँ इस इमारत में जो जुडिशरी के घोड़े होते थे, पुलिस के घोड़े होते थे, वो बांधे जाते थे। अब इनको हमने कैंटीन बना दिया। औरंगजेब रागले संगे हाल दे जोड़ दे खई सुरके ही सकाई इस वक्त बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और अच्छी वकील हैं, पूरे पाकिस्तान भर में मैटर को परसू करने जाती हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं इरम रियान। पेशावर तक गई हैं? पेशावर तक जाती हैं। इरम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। आपके लिए मशहूर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सी चौक से, इरम तुम कहाँ हो? बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है आपको? अच्छा ये बताइए कि आपकी वकालत कैसी जा रही है, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? सुपर माशाल्लाह से। तो आप भी सी चौक की हमारी मुस्तकिल जो है मेंबर है, मेंबर हैं, यहाँ पर आती हैं, खवातीन की नुमाइंदगी करती हैं हमारे यहाँ से बैठ के। हाँ, कोशिश करती हूँ लेकिन मलिक नईम साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मलिक साहब कैसे हैं? कैसे आप? खैरियत? मलिक साहब आप ठीक हैं? काफी दिनों बाद चेयरमैन साहब आए हैं। हाय हाय हाय, क्या हाल है सर? आ गए ये शुक्र करें। तो इरम रियाज जो है हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, बहुत अच्छी वकील है क्रिमिनल साइड की। तो ये बताइए आप कहाँ कहाँ तक आपने वकालत की, किस किस इलाके में गई हैं? मैं तो तकरीबन जितने सिटीज़ हैं उसमें, उसके अलावा मैं गई लाहौर हाई कोर्ट, और फिर मैं अहमदाबाद गई, और पेशावर, मानसा,
में तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती एज ए खवातीन होने के नाते? नहीं, कभी भी पेश नहीं आई और हर जगह अच्छे लोग मिले और मैं इस्लामाबाद फेडरल शरीयत कोर्ट तक भी गई और हर जगह का एनवायरनमेंट अच्छा है। अगर आप अच्छे हैं, आपका इखलाक अच्छा है तो लोग आपसे ज़्यादा जुड़कर मिलेंगे अच्छे से। आप पेशावर भी गई हैं वकालत करने के लिए? जी बिल्कुल, मानसेहरा की कोर्ट में भी गई, पेशावर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में भी मैंने पेश किया। भाइये बाहिम्मत खातून है, थैंक यू, बहुत ही बाहिम्मत हैं और बहुत ही हर दिल अजीज है यहाँ की शख्सियत और कभी गुस्से में नहीं आती। लोग इनको लोग इनसे मजाक करते हैं लेकिन इस बात को लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है बिल्कुल, और अपने प्रोफेशन के साथ एटीसी में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, नार्को टैक्स में, एटीसी में हुआ, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट। मेरी वकालत को 16 साल हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है आप लोगों की वजह से और लोगों ने मुझे मैडम शबाना आ रही है, ये भी एक प्रैक्टिस नहीं है। और बात क्या है, मुझे चलना चाहिए, हम यहाँ वकालत करने आते हैं, आपाबाजी खेलने नहीं आते, तो सिर्फ अपनी वकालत पे ध्यान देना चाहिए और बस इसी पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। शबाना शेख मशहूर मारूफ एडवोकेट है, बहुत सीनियर है मैडम शबाना शेख, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आबिद भाई कुछ कहना चाहते हैं इरम के बारे में? इरम तुम कहाँ पे हो? ये तो इनका मशहूर है। बेसिकली इरम जो हमारे सिटी कोर्ट की जो लॉयर है वो माशाल्लाह उसकी जो तबीयत है वो बहुत एक जबरदस्त तबीयत है, वो हर एक लॉयर से हंसकर बात करती है और रिस्पेक्ट करती है और ये डेली आने वाली ये लॉयर है हमारी, हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, ये हमारी सीनियर वकील है और जब बारिश होती है सिटी कोर्ट में तो ये बहुत एंजॉय करती है। ये इनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, बड़ी खूबी है, मैंने देखा था वीडियो में और माशाल्लाह इसकी तबीयत बहुत प्यारी है, हर एक से अच्छे तरीके से मिलती है। ऐसे देखते रहा करो, आगे नीचे करो। हमारे सीजो के मेंबर आते जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ सब कचहरी रहेगी। मैडम यहाँ बैठी, कैसी हैं आप? आपको तो हमसे भी सीनियर है। सर मैं कहाँ सीनियर हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, माशाल्लाह इतने सीनियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शबाना शबाना शेख लर्नर सीनियर काउंसल और ये बहुत ही अच्छा कल खाने भी खिलाती है हमें, बहुत अच्छे अच्छे वो आप अपने नसीब का खाते हैं, बहुत अच्छी बात। सर आप देखें बात ये उनको पता है आप सारा खाना खा जाओगे। सर आपको शहजाद भाई आपको इसलिए नहीं खिलाया जाता कि आप जो है आप चार आदमी का खाना खाएंगे तो हम कैसे पूरा करेंगे? सुबह सवेरे 6:30 बजे मुलाकात होती है, ये आ रही होती है, मैं भी सिटी कोर्ट आ रहा होता हूँ नाश्ता करके। मैं तो हमेशा ऑफर दी है शहजाद भाई, मैंने कहा आप घर आए नाश्ता करें, मैंने कभी मना नहीं किया है। मेरे दरवाजे खुले हैं मेरे भाइयों के लिए, जबरदस्त। तो आप अब ये नहीं अपनी बेगमात को मना कर देंगे नाश्ता ना बनाया करें, अब नाश्ता जो है बहन के घर जाके क्या करेंगे? वाह 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 वाह, चलो।